एट पास मास्टर शेफ चैनल में सबको नमस्ते दोस्तों। आज बनाने वाले हूँ चिकन काठी रोल रेसिपी। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, स्टे मत करिए। चलिए दोस्तों बनाने का तरीका बता रहा हूँ वीडियो में। मैं लिया था 2 पीस प्याज और 1 पीस टमाटर और 200 ग्राम तो बोनलेस चिकन कीमा वाला। चलिए दोस्तों अभी बनाने के लिए तवा बैठाया, उसके बाद मसाला को पहले बना लेंगे। मसाला चिकन का मसाला दोस्तों, पहले प्याज डाल देंगे तेल गर्म होने के बाद। डाल दिया प्याज, थोड़े से भूनूंगा। थोड़े से भूनने के बाद डालूंगा टमाटर। इस तरह टमाटर डालिए दोस्तों, इस तरह टमाटर डाल दिया। थोड़े से भूनने के बाद इसका साथ आएगा बोनलेस चिकन। तो इस तरह से बोनलेस चिकन डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको भूनूंगा, इस तरफ से भूनूंगा। देखिए दोस्तों इस तरह से भूनने के बाद थोड़ी सी मसाला डालने का ज़रूरी है। मसाला तो डालूंगा हल्दी पाउडर, इसके बाद मैं डालूंगा चिल्ली पाउडर, कश्मीरी चिल्ली पाउडर। इसके बाद मैं डालूंगा चिकन मसाला पाउडर। इसके बाद मैं डालूंगा थोड़ी सी तीखा मिर्ची, मतलब स्पाइसी वाला। तो आप लोग चिकन कौसा जैसे बनाता है वह चिकन रोस्ट इस तरह से बना सकते हैं, तो आप लोग का चॉइस है। तो मैं बनाया इस तरह से। इसके बाद मैं डालूँगा थोड़ी सी नमक, स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद दोस्तों डाल दूँगा थोड़ी सी पानी, क्यों चिकन पकाने के लिए। चिकन का पकाने के बाद 2 मिनट तक उसको भूनूंगा इसे चिकन पकाने, क्योंकि जल्दी होता है, बोनलेस चिकन है। दोस्तों अभी रेडी हो गया, बॉल में एक निकाल लेंगे। बॉल में निकल के दोस्तों इसको साइड कर लेंगे। अभी जाएंगे नेक्स्ट स्टेप। स्टेप मैदा मिक्सिंग करके रखा था आधा घंटा पहले। दोस्तों देखिए किस तरह से सॉफ्ट हो गया, बहुत प्यारा सा बन गया डोल। दोस्तों इसको मिक्स करने के टाइम में थोड़ी सी तेल दे के जरूरी मिक्स करिए, तो किप्स भी होता है, अच्छा कलर आता है। नमक और थोड़ी सी तेल, सनफ्लावर डाली। दोस्तों खाने को मस्त रहेगा रोटी तो, कि मैदा से बनता है। देखिए इसको अच्छे से निकाल लूँगा, प्याज से शराब से इसको 3 बॉल कर लूँगा, मैंने 3 डोर काट लूँगा। देखिए दोस्तों 3 डोर काटूँगा, साइड वाला भाग दे दूँगा। बस मेरे को 3 जरूरी है आप लोग को दिखाने के लिए। बस 3 कर लिया, इसको अच्छी तरह थोड़ी सी मैदा दे के बेल लेने को, 3 अच्छी तरह राउंड दे के बेल लूँगा। इच्छा प्यारा सा देखने को मस्त आएगा दोस्तों। देखिए वीडियो में बने रहिए, स्टीम मत करिए। देखिए बन गया दोस्तों, बिल्कुल दिन इस तरह से तीनों सारे को बनाना, तीनों को बनाना। तीनों बना लिया दोस्तों, अभी जाऊँगा तवा में। नॉन स्टिक पैन यूज कर रहे हैं, राउंड रोल तवा नहीं है, इसे बना रहा हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। रोटी डाल देता है, साइड में थोड़े से तेल डाल दीजिए, तो अच्छी तरह इसको परोटका जैसे भाजिए, इसको अच्छे तरह से भाजिए। देखिए दोस्तों इस तरह से इतना मस्त कलर आ गया। इसके बाद में एक पहले सांडा तोड़ के और अमूल डाल के फिर कर दे, इसके बाद में डाल देंगे इसके, इसके ऊपर डालूँगा रोटी। रोटी डाल के अच्छे तरह के थोड़ा इसको निकाल के दोस्तों इस तरह पहले चिकन डालेंगे, इसका पहले बटर पेपर, इसका में रोटी, इसके बाद में चिकन, इसके बाद में थोड़ी सी सलाद प्याज और कोकुम्बर मैंने खीरा डाल के, ऊपर से टमाटर सॉस, थोड़ी सी चिल्ली सॉस डाल देंगे। आप लोग चाहिए तो मायना से यूज कर सकते हैं। देखिए इसको अच्छे से प्यार से बटर पेपर के साथ मोड़ देने को दोस्तों, इस तरह से मोड़ दिए। देखिए दोस्तों हमारा चिकन का थीरोट कितना मस्त बन गया। इस तरह से तीनों बना लूँगा, तीनों को बना के एक प्लेट में डालूँगा दोस्तों। देखिए फिर एक ले लूँगा, इस तरह से बना लूँगा दोस्तों। जैसे पहले चिकन, इसके बाद में प्याज, इसके बाद में खीरा, इसके बाद में चिली सॉस, टमाटर सॉस डाल के अच्छे तरह से इसको रैप कर लेंगे, मतलब बटर वहाँ से रैप डालेंगे। इसको रैप ही करते हैं, एक रोल चिकन रोल और काठी रोल बनता है। काठी लोग किस लिए बोलते हैं, इसमें अंडा लगाने के लिए। अच्छा एक्चुअली बंगाली स्टाइल हो गया दोस्तों। देखिए हमारा रोल अथिर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, दूसरे को शेयर करते। तब तो तब बाय बाय, फिर मिलेंगे
बेहतरीन रेसिपी बनाएगी।